नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हमारा टॉपिक है, हम जो चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक है हमारा मीडियन। माध्यिका के अंदर हम खंडित श्रेणी को डिस्कस करेंगे, है ना। इससे पहले मैं व्यक्तिगत श्रेणी को डिस्कस कर चुकी हूँ मीडियन के अंदर। आज हम डिस्क्रीट सीरीज पर इसके फॉर्मूले देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज हमारी आज की दूसरा नंबर है इसका, डिस्क्रीट सीरीज। यानी कि खंडित श्रेणी, है ना। इसका फॉर्मूला देखते हैं हम पहले। फॉर्मूला क्या है इसका भी? फॉर्मूला वही है जो हमने व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर पढ़ा था। m इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 टी एच आइटम, ठीक है। अब इसके लिए आपको देखिए, एक न्यूमेरिकल आपको मैं करवाती हूँ कि प्रॉब्लम आपको दे रखी है। एग्जांपल नंबर 2 है ये। एक्स गिवन है 10, 20, 30 और 40, ठीक है। इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। ये फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 10 एंड अगेन 4। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ एन प्लस 1/2। और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो एन इक्वल्स टू क्या होता है, हम ये जानते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एन बराबर होता है सिग्मा एफ। एफ के टोटल को ही हम एन बोलते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले सी एफ निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, फर्स्ट इज 2, देन 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, 6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 16 एंड 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20। तो ये हमारी क्या आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, देन वी सॉल्व द क्वेश्चन। देन फर्स्ट इज m इक्वल्स टू साइज ऑफ, बहुत सिंपल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है, n प्लस 1 अपॉन 2 टी एच आइटम। बहुत आराम से करिए और अपनी नोट्स कॉपी के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि ये सारी आपकी जो कॉपीज हैं वो चेक होंगी। साइज ऑफ n, n यहाँ पर नंबर कितने थे, अब देखिए नंबर का मतलब हो गया सिग्मा f के, टोटल आया आपका 20। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगी, 20 प्लस 1 अपॉन 2 टी एच आइटम, है ना। देन साइज ऑफ 21/2, तो 21/2 आइटम क्या हो गया, टेन प्लस 5th आइटम। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर आंसर ला करके छोड़ देते हैं कि ये आंसर आ गया, नहीं ये आंसर नहीं आया। 10 प्लस 5 आइटम का मतलब आप सीएफ के अंदर इसको चेक करेंगे, सीएफ में 10.5 कहां पर आएगा। देखो 10.5 नंबर, ये जो सीएफ थी इसके अंदर 2 में आ नहीं सकता, 6 में आ नहीं सकता क्योंकि 6 से ज्यादा है 10, 16 के अंदर आ सकता है क्योंकि 16 से 10.5 कम है। तो 16 के सामने जो आपकी एक्स गिवन दे रखी है, वही आपकी 16 के सामने जो एक्स है वो आपका मीडियन होगा, यानी इसका आंसर होगा 30। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आकर के बच्चे जो गड़बड़ी कर रहे हैं कि आपने यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया साइज ऑफ एन प्लस 1/2 आइटम। इसके बाद ये जो आपका 10.5 है, इसको आपको कहाँ देखना पड़ेगा, सीएफ के अंदर देखना पड़ेगा। सीएफ हमको कहाँ पर ये मिल रहा है, 10.5 हमको मिल रहा है 16 के अंदर, 16 के अंदर 10.5 आएगा। तो इसकी जो एक्स आएगी आपकी, वो ही इसका आंसर होगा। आंसर हमेशा मीन हो, मीडियन हो, चाहे मोड हो, हम तीनों चीज जो भी अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे उनके आंसर आपको एक्स सीरीज के अंदर से ही मिलेंगे। कभी भी आप कहीं और से नहीं लिखेंगे आंसर, आंसर ध्यान रखें एक्स सीरीज में से ही उसको आंसर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में ये था आपका, डिस्क्रीट सीरीज में हम किस तरह से अपना मीडियन निकालते हैं, माध्यिका को किस तरह से निकालते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।